Chapter 5, the fundamental unit of life, we will continue with part 6. In previous video, we are discussed about the nucleus and nucleolus is also present in nucleus. जो nucleolus है वो भी nucleus में present होता है और ये most of क्या है इसमें contain होता है RNA का, ये RNA का house होता है nucleolus. Next is cytoplasm. When we look at the temporary mounds of onion peel as well as human cheek cells, we can see a large region of each cell enclosed by cell membrane. जो हम cells देखते हैं तो cell के ऊपर क्या है, cell membrane present होता है, चाहे वो onion peel में देखें या human cheeks जो हैं उसके अंदर हम देखते हैं. This region takes up very little stand. और ये जो है cytoplasm, जब stand हम इसको करते हैं तो nucleus जो stand ज़्यादा ले रहा है, लेकिन क्या है इसका जो region है, outer part है nucleus के बाहर और cell membrane के अंदर, इसका बीच का जो part है जो cytoplasm में consider किया जाता है वो क्या है, वो it takes very little stand, वो कम stand होगा. It is called the cytoplasm. और इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, cytoplasm बोलते हैं. The cytoplasm is the fluid content inside the plasma membrane. और जो cytoplasm है वो कहाँ पर है, cytoplasm plasma membrane के अंदर है, inside the plasma membrane और and outside the nucleus. It is also contains many specialized cell organelles. और इस cytoplasm में ही जो different different type के important cell organelles हैं वो present होती है. Each of these organelles perform a specific function for the cell. और हर एक organelle का, जैसे हमारी body में हर एक organ का एक important role होता है, ऐसे ही ये जो cell organelles हैं ये cell के लिए एक important role play करेंगी. Cell organelles are enclosed by membranes. और most of जो cell organelles हैं वो क्या है, वो एक enclosed होती हैं membrane से, वो double membrane भी हो सकती है और single भी हो सकती है. In prokaryotes, beside the absence of a definite nuclear, defined nuclear region, जो prokaryote हैं we will discuss about that, we already discussed about that, the prokaryote and eukaryote. तो जो प्रोकैरियोट की जो सेल है उस, वो सेल क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड, उसमें वो डिफाइंड न्यूक्लियर नहीं होता है, न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है. और जो द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स आर आल्सो एब्सेंट ऑन द अदर हैंड, और जो सेल ऑर्गेनिल्स हैं वो भी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती हैं. द यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनिल्स. और जो यूकैरियोटिक सेल हैं उसमें मोस्ट ऑफ क्या होगा, जो जो भी सेल ऑर्गेनिल्स हैं और न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो सेल मेम्ब्रेन से, जो मेम्ब्रेन है वो उसके ऊपर एनक्लोज्ड होगी. द सिग्निफिकेंस ऑफ मेम्ब्रेन्स कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ वायरसेस. वायरस लैक any membranes and hence do not show characteristics of life until they enter a living body and use its cell machinery to multiply. जो वायरस है, वायरस भी क्या है प्रोकैरियोट्स में ही आता है, और जो ये इसमें वायरस में क्या होता है, ये कनेक्टिंग लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, तो जब तक इसको कोई भी सेल नहीं मिल रहा है ये मल्टीपल नहीं करेगा. तो वायरस में क्या है, जो इसी तरीके के जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं इन सब की कमी होती है, लैक एनी मेम्ब्रेन. और तब जब ये कैरेक्टरिस्टिक जब लिविंग बॉडी से ये जुड़ जाता है तो क्या करेगा, सेल मशीनरी जो है इसकी ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती है. सेल ऑर्गेनिल्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज सेल ऑर्गेनिल्स. एवरी सेल हैज़ मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप इट्स ओन कंटेंट सेपरेट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या हुआ कि वो जो है उसका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो उससे उसको अलग रखती है, सेपरेट करके रखती है. लार्ज एंड
कॉम्प्लेक्स सेल्स, जो सेल्स हैं वो कैसी होती हैं, लार्ज हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स सेल स्ट्रक्चर होती हैं, इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी सेलर ऑर्गेनिज नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ टू सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जो भी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हैं उसमें जो सेल्स होती हैं उसमें क्या होता है, बहुत सारी लॉट्स ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो क्या हैं उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं। टू कीप दिस एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट काइंड्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, और ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट होती है और हर एक एक्टिविटी दूसरी से डिफरेंट होगी। फ्रॉम ईच अदर दीज सेल्स यूज मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर विद इन देम सेल्फ, और जो सेल ऑर्गेनिज्म है वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे। This is one of the features of the eukaryotic cells that distinguish them from prokaryotic cells. जो prokaryotic cells हैं उससे ये different कैसे हुई, क्योंकि membrane bound structure और cell organelles cell में present होती है eukaryotics में। Some of these organelles are visible only with an electron microscope. We know about that, जो cell है cell को ही हम study किससे कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही स्टडी हम इसकी कर सकते हैं। वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन अ प्रीवियस सेक्शन, जो प्रीवियस वीडियो था हमने उसमें न्यूक्लियस के बारे में स्टडी किया। नाउ सम इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म विच वी विल डिस्कस नाउ आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी बॉडी, गॉल्जी एपरेटस इज कॉल्ड ऑल्सो, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। They are important because they carry out some very crucial function of cells. जो cell है उसके लिए बहुत ज़्यादा important role play करते हैं ये सारी cell organelles. First of all, we will discuss about the endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is a large network of membrane-bound tubes and sheets. जो endoplasmic reticulum है उसका structures कैसा होता है, ये tube-like हो सकती है और flat भी, ये sheets-like भी होती है। It's look like long tubes or round oblong bags. जब ये bags जैसी है, tube-likes है, तो ये क्या है, तब हम इनको बोलेंगे vesicles. The ER membrane is similar in structure to the plasma membrane. जो ER membrane है, endoplasmic membrane है, उसका structure similar होता है किसकी तरह, plasma membrane की तरह ही। There are two types of endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum and the smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum rough क्यों होता है, due to the presence of ribosomes. जो ribosomes होते हैं उनकी presence की वजह से ये कैसा, इसकी appearance कैसी होती है, rough दिखाई देती है। या कह सकते हैं हम कि जैसे जो बीड्स हैं, बीड्स जो किसी के ऊपर होते हैं ऐसे ही इसकी सरफेस पे है, बीड्स की तरह ये प्रोटीन्स जो राइबोसोम्स हैं वो दिखाई देते हैं। एंड स्मूथ राइबो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेकंड क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER मींस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक्स रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज़ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स अटैच्ड टू इट्स सरफेस। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, और इन राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या है, इट मैन्युफैक्चर द प्रोटीन्स। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं राइबोसोम, और प्रेजेंस कहाँ होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। द मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स आर देन सेंड टू वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड, और जो सेल को जिस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है ये जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर होगा ये वहाँ पर उसके थ्रू सेल में ये चला जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। यूज various places in the cell depending on need using the ER. The SER helps in the manufacture of fat molecules or lipid important of cell function. और जो SER है, smooth endoplasmic reticulum है, उसका function क्या होता है, ये help करती है fat को और
जो लिपिड है उनको बनाने में और उनको स्टोर भी करने में. सम दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प टू बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन. और ये क्या कर रहा है, ये जो लिपिड्स और प्रोटीन्स हैं ये सेल मेम्ब्रेन बनाने में हेल्प करता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज द मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. और ये जो प्रोसेस है जिसके थ्रू लिपिड और प्रोटीन्स मेम्ब्रेन बना रहे हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शन एज एंजाइम एंड हार्मोन्स. और कुछ जो प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है कि वो हमारी बॉडी में एज अ हार्मोन की तरह रोल प्ले करते हैं या एंजाइम की तरह रोल प्ले करते हैं. ऑल्दो ER varies greatly in appearance in different cells, it always forms a network system. जो endoplasmic reticulum है वो क्या है, varies करती है किसके ऊपर, अलग अलग जो सेल हैं उसके ऊपर. तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, नेटवर्क जैसी ही होती है. मोस्ट ऑफ ये क्या करेगा, नेटवर्क बनाएगा. शीट्स हैं प्रेजेंट, वेसिकल्स प्रेजेंट हैं. एंडोप्लाज्मिक का जो स्ट्रक्चर है तो वो कैसा होगा, एक प्रॉपर सिस्टम बनाएगा, नेटवर्क सिस्टम बनाएगा. दिस वन फंक्शन ऑफ ER इज टू सर्व एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स. और इसका एक फंक्शन क्या हुआ, ये प्रोटीन लिपिड्स और तो बना ही रहा है, साथ में क्या है, ये ट्रांसपोर्ट भी करता है. तो ट्रांसपोर्टेशन में भी एंडोप्लाज्मिक का रोल होता है. बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. और जो न्यूक्लियस की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो DNA मॉलिक्यूल और RNA मॉलिक्यूल को भी बनाते हैं, तो कुछ जो रिक्वायरमेंट न्यूक्लियस की होती है वो वहाँ पर भी चले जाते हैं. द ईयर आल्सो फंक्शन एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस. और ईयर क्या कर रहा है, इसका फंक्शन कैसा है, ये सरफेस प्रोवाइड कर रहा है किसको, सेल में. तो ER also function as a cytoplasmic framework providing a surface for some of the biochemical activities. जो भी biochemical activities होंगी उसके लिए भी ये surface provide करता है of the cell in the liver cell of the group of animals called vertebrates. जो vertebrates हैं, vertebrates क्या होता है, जिसमें backbone present होता है, स्पाइन स्पाइनल कोड होता है इन, और उनकी जो लीवर सेल्स होती हैं, SER plays a crucial role in detoxifying many poison and drugs. जो वहाँ लीवर में जो प्रेजेंट होगी ER, वो क्या कर रही है, SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है कि जो भी पॉइजन है और ड्रग्स हैं, जो भी मेडिसिन आपने ली है उसको डिटॉक्सिफाइंग कर देगा, वो उसकी टॉक्सिसिटी को कम कर देता है.